एक वक्त में टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक और अविनाश सचदेव एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कई लोगों के लिए वो आइडियल कपल थे। सीरियल छोटी बहू में काम करते वक्त इनके बीच नजदीकियां बढ़ी। कहा जाता है कि अविनाश ने रुबीना के ग्रैंडफादर से शादी की बात कर ली थी। चर्चा तो ये भी थी कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है और रुबीना ने अविनाश के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। रुबीना और अविनाश के ब्रेकअप से लोग काफी हैरान हुए थे। खबरों की माने तो अविनाश ने रुबीना को धोखा दिया, इसीलिए ये कपल का रिश्ता टूट गया, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। बाद में अविनाश ने अपनी को स्टार शाल्मली देसाई से शादी कर ली, लेकिन जल्द ही इनका डिवोर्स हो गया। इसके बाद अविनाश ने पलक से दूसरी शादी की। जब अविनाश पलक के साथ नच बलिए में दिखे तो उनसे एक एपिसोड में रुबीना के बारे में हुए ब्रेकअप के बारे में पूछा गया। इस पर अविनाश ने बताया था, रुबीना और मैं लाइफ में हर चीज के लिए काफी इनसिक्योर थे, हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते थे। वहीं दूसरी ओर अविनाश से अलग होने पर रुबीना ने अभिनव से शादी कर ली। रुबीना और अभिनव की शादी 2018 में हुई थी। इनकी शादीशुदा लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब दोनों साथ में हैं। हाल ही में अभिनव बिग बॉस के घर से बेघर हुए हैं। दोनों शो में काफी अच्छा खेल रहे थे। हाल ही में शो के वीकेंड के वॉर एपिसोड के दौरान रूबिका ने बताया कि 7 से 8 साल पहले उन्हें बहुत गुस्सा आता था और उन्हें सुसाइड के ख्याल आते थे। यही नहीं, इसी वजह से उनका रिलेशनशिप भी तनावपूर्ण हो गया था। बता दें कि अभिनव के घर से बेघर होने पर रुबीना काफी रोई और बुरी तरीके से टूट गई। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभिनव इस तरह चले जाएंगे। अभिनव का बिग बॉस के घर से जाना काफी शॉकिंग रहा। दोनों काफी इमोशनल हो गए। खैर, आपको रुबीना और अभिनव की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।